इस गांव में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल। इर्तिजा जीलानी टू काइंडली कम अप ऑन द स्टेज एंड एनलाइटन अस। We all know we are here to celebrate the World Red Cross memed and we would die of infections. So, and in all kinds of conflicts. So that is how the Red Cross Society actually improved upon, and in 1930s we got a proper Red Cross Society. Now every year Red Cross Day is celebrated and we tend to felicitate all our humanitarian effort and people are doing it without any... गंदगी को साफ करने के लिए अपना हाथ बटाया हो कहीं हमारे लिए ये मौका ऐसा भी है जहां हम नए वॉलंटियर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आज 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके पर यहाँ एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है जिसमें जो स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म है उसको उजागर किया गया है। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारे ज़िले के मुख्तलिफ जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सितंबर 2014 फ्लड्स हों या कोविड पेंडेमिक हो, श्रीनगर के अंदर जो वॉलंटियरिज्म है वो काफ़ी अच्छे पैमाने पर मौजूद है और मैं समझता हूँ कि जब जब कोई डिज़ास्टर आता है जहाँ हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स होती हैं वहीं गवर्नमेंट एफर्ट्स को वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस सप्लीमेंट करते हैं और हम डिज़ास्टर्स को ओवरकम कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि जब हमारी रगों से निकला हुआ खून किसी मरीज पेशेंट की रगों में दौड़ने लगता है तो तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। जब डिज़ास्टर में या फ्लड में फंसे हुए लोगों को हम बाहर निकालते हैं, उनके लिए कैंप्स लगाते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी जी रहे होते हैं। जब फायर इफेक्टेड किसी हाउस होल्ड को हम मदद फराहम करते हैं और उनको फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करने में, उनको रिहैबिलिटेशन में मदद करते हैं, तो तब हम ये भी समझते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं और गिविंग बैक टू द सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और गिविंग बैक टू सोसाइटी की स्पिरिट के साथ जब हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके का यही पैगाम है।